भारत में हो रहे G20 बैठक में एक बड़ा विवाद हो गया है। रूस और चीन ने इस पर एक बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बैठक में यूक्रेन पर बयान जारी होने के बाद भड़क गए रूस और चीन। बेंगलुरु में दो दिनों तक G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक खत्म हुई तो बड़ा हंगामा हो गया। इस बैठक के बाद G20 अध्यक्ष का सारांश और परिणामी दस्तावेज जारी किया गया। इस संयुक्त बयान में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया, जिसका रूस और चीन ने विरोध कर दिया। इसको लेकर चीन और रूस की तरफ से कहा गया कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है, ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में भूमिका निभाता है। ऐसे में बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई घोषणा नहीं की जा सकती। हालांकि दोनों देशों को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने बीते साल 15-16 नवंबर को बाली में हुई G20 की बैठक के बाद की गई घोषणा पर सहमति जता दी। ये तय हुआ था कि सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद ही संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। जब यह जारी हुआ तो उसके तीसरे और चौथा पैराग्राफ में यूक्रेन युद्ध का जिक्र होने के कारण रूस और चीन ने आपत्ति दर्ज करा दी। इसके बाद भी लिखित बयान जारी कर कहा गया कि बयान के नोट में यह साफ भी कर दिया गया कि डॉक्यूमेंट के तीसरे और चौथे पैराग्राफ को बीते साल बाली में हुई G20 समिट की घोषणा से लिया गया है, जिस पर रूस और चीन को छोड़कर सभी देश सहमत हैं। नोट में लिखा गया है कि G20 सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का मंच नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ता है। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि फरवरी 2022 के बाद से हमने यूक्रेन में युद्ध को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए देखा है। इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित दूसरे मंचों पर अपेक्षा के अनुसार अपनी राष्ट्रीय स्थिति को फिर से परिभाषित किया, जिसे 2 मार्च को बहुमत वोट पक्ष में 141 वोट द्वारा अपनाया गया था। हालांकि रूस और यूक्रेन अपनी इस आपत्ति पर अड़े हुए हैं और उनका यह साफ कहना है कि आर्थिक मंचों पर इस तरह की बातचीत को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।